मंदिर रेप कांड में दो पुजारियों की पुलिस कस्टडी बढ़ी, एक को हुई जेल कस्टडी। मृतका को इंसाफ दिलाने के लिए महिलाओं की वकील टीम आगे आई। शिवसेना महिला आघाड़ी ने पुलिस को ज्ञापन देकर की कड़ी सजा की मांग। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने आपको पहली खबर दिखाने के दौरान, आप तक वो पहुंचाने के दौरान कहा था कि हम इस खबर का अगला फॉलोअप आपको जरूर दिखाएंगे। कल्याण फाटाका एमआईडीसी रोड और इसी एमआईडीसी रोड से सटा हुआ घोल गणपति का मंदिर, पहाड़ी पर बना हुआ यह मंदिर और इस मंदिर पर 6 जुलाई को हुई एक वारदात। पारिवारिक विवाद के चलते मानसिक तनाव में आई हुई 31 वर्षीय बेलापुर की रहने वाली महिला के साथ मंदिर में अस्थायी तौर पर आए हुए 3 पुजारी चाय में उसको नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश करते हैं और 6 जुलाई की रात से लेकर रविवार 7 जुलाई की रात तक उस पर बलात्कार करते हैं और फिर जब वो होश में आती है तो उसके साथ मारपीट करते हैं, गला घोटकर उसको मारने की कोशिश करते हैं और मरा हुआ समझकर एक रूम में डाल देते हैं और फिर सोमवार को फिर उसे निकाल करके पत्थर से मार करके फिर पहाड़ से नीचे फेंक करके उसकी हत्या कर देते हैं। इस मंदिर के स्थायी पुजारी गोरखपुर और अयोध्या गए थे और वहां जाने के लिए उन्होंने इन तीनों को बुलाया था। राजकुमार रामफेर पांडे उम्र 54 वर्ष, संतोष कुमार रामज्ञान मिश्रा उम्र 45 वर्ष, श्याम सुंदर प्यारचंद शर्मा उम्र 62 वर्ष, दो उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ के रहने वाले, एक राजस्थान के कोटा का रहने वाला और बीएआरसी का पूर्व कर्मचारी। अब इन तीनों को पुलिस ने जब 9 तारीख को इस संबंध में सूचना मिली और पुलिस ने इन्हें पकड़ा, पकड़ने के बाद जो है 12 तारीख को इन्हें छाने के जेएमएफसी कोर्ट में खड़ा किया गया जहां से 16 जुलाई तक इनकी पुलिस कस्टडी दी गई थी। अब आपको बता दें कि इसके जांच अधिकारी है छिलडायगर पुलिस स्टेशन के एपीआई एवाई मलिक। अपने वरिष्ठों के मार्गदर्शन में वो इसकी जांच कर रहे हैं और इस जांच में जो भी अब तक उन्होंने 16 जुलाई को कोर्ट में रिपोर्ट पेश की है तो उसमें मृतका के सामान की बरामदगी है, उसका मोबाइल भी बरामद किया गया है यहीं से मंदिर परिसर से जो कि इन तीनों आरोपी पुजारियों ने छिपा करके रखा था और जिस पत्थर से उसे चोट पहुंचाई गई थी वो पत्थर भी बरामद किया गया है। इतना ही नहीं, आपको एक चौंकाने वाली बात इसमें बता दे कि 16 जुलाई को जब इन तीनों को छिलडायगर पुलिस द्वारा फिर से थाने स्थित जेएमएफसी कोर्ट में पेश किया गया और वहां पर जो कार्यवाही हुई तो उस कार्यवाही में मृतका 30 वर्षीय महिला के लिए नवी मुंबई की एक वकीलों की महिलाओं की टीम जो है महिला वकीलों की टीम सामने आई। उन्होंने क्या कहा है वो हम आपको बाद में बताएंगे लेकिन पहले देखिए ये आरोपी कैसे पुलिस द्वारा कोर्ट में पेश किए गए हैं और फिर वापस इन्हें कोर्ट से लाया गया है। तो तीनों आरोपी पेश किए गए, तीनों में से राजकुमार रामफेर पांडे उम्र 54 वर्ष को कोर्ट ने जेल कस्टडी कर दी। जेल कस्टडी करने की वजह यह थी कि उसने कोर्ट को बताया कि वो इस अपराध में सरकारी गवाह माफी का गवाह बनने के लिए तैयार है तो उसके बाद कोर्ट ने उसको पुलिस रिपोर्ट के बाद जेल कस्टडी कर दिया है। अन्य जो दो आरोपी है संतोष रामज्ञान मिश्रा और श्याम सुंदर प्यारचंद शर्मा इन दोनों की 19 जुलाई तक पुलिस कस्टडी फिर से कोर्ट ने बढ़ा दी। तो ये अपडेट है कि केस में जांच की क्या तरक्की हुई है, कहां तक पुलिस ने जांच पहुंचाई है और दूसरी पुलिस कस्टडी दो आरोपियों की हासिल कर ली है। अब आपको बता दें कि इस पहाड़ पर जो कि वन विभाग का है और इस वन विभाग के पहाड़ पर ये मंदिर भी काफी पुराना है और अस्थायी तौर पर आए इन तीन पुजारियों ने हैवानियत की। मंदिर में सुरक्षा के चलते मानसिक तनाव को खत्म करने ईश्वर के मौजूदगी में पहुंची हुई एक महिला के साथ इन्होंने इस तरह का घिनौना काम किया। अब इसको लेकर के कई सारे राजनीतिक दल और संगठन भी मुखर हो चुके हैं। तो सबसे पहले आप देखिए जब कोर्ट में इनको पहुंचाया गया तो यहां पर नवी मुंबई की महिला वकीलों की जो टीम आई थी उनकी जो प्रतिनिधि है उनसे हमारी जो बात हुई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब ये देखने के बाद आगे आप देखिए कि शिवसेना शिंदे गुट की महिला आघाड़ी ने इस मुद्दे को उठाया है। सबसे पहले शिवसेना शिंदे गुट की नेता है नीलम गोरे, विधान परिषद की सभापति है नीलम गोरे, उन्होंने एक पोस्ट साझा की है और इस पोस्ट में उन्होंने सरकार से मांग की है कैसे इस मामले में खासकर सबसे पहले स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी विशेष सरकारी वकील की नियुक्ति की जाए और इन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा हो, इसके बारे में सरकार और गृह विभाग जो है ध्यान दे। साथ ही ऐसे जितने भी मंदिर हैं इन मंदिरों में जितने भी पुजारी हैं इनके चरित्र की जो है जांच की जाए, उनके पूरे ब्योरे की जांच की जाए, पूरे पुलिस स्टेशनों को आदेश दिए जाए कि ऐसे तमाम मंदिरों के तमाम पुजारी और साधुओं का डेटा अब रखा जाए। तो ये भी मांग उन्होंने की। अभी इसी मांग के चलते छाने
कलवा मोबरा शिवसेना शिंदे गुट की महिला आघाड़ी, उसकी मुखिया लता पाटिल, मोबरा की शिवसेना शिंदे गुट की महिला नेता अनीता कीने और कई अन्य पुरुष पदाधिकारी भी साथ में 16 जुलाई को ही शेलडागर पुलिस स्टेशन पहुंचे। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संदीपान शिंदे को उन्होंने ज्ञापन दिया और ज्ञापन में उन्होंने इन आरोपियों के लिए फांसी की सजा होनी चाहिए ऐसी पुलिस से तफ्तीश की मांग की। इस मौके पर किस तरह का शेलडागर पुलिस स्टेशन में माहौल था और ज्ञापन देने के बाद क्या बोली है महिला आघाड़ी की प्रमुख लता पाटिल, सुनिए। पत्रकार यह जो घटना हुई है दमनभूमि में, इसमें अक्षता आगस्कर इसका मर्डर हुआ है। यह अक्षता मात्रे का कोर्ट आज केस ननावरे मैडम इनके कोर्ट में लाया गया था। आरोपी को ननावरे मैडम के कोर्ट में लाया गया था और उस केस में आरोपी नंबर 1, आरोपी नंबर 2 इनको पुलिस कस्टडी हुआ है और आरोपी नंबर 3 यह माफ़ी का साक्षीदार होने को तैयार है, इसके लिए उसको जेल कस्टडी रिफ़र की है। हम नई मुंबईकर, ये पूरा अग्री पुलिस समाज और इस समाज के जो भी लॉयर है, ये सब इस घटने का जाहिर निंदा करते हैं और जब तक इन सब आरोपी को फांसी नहीं होती तब तक हम सब लोग लड़ते रहेंगे और उनको फांसी दिलवाते ही रहेंगे। आज आम्ही टायगर पोलीस स्टेशनला येऊन आम्ही पीडित जी महिला आहे की तिच्यावर अत्याचार होऊन जे तिथे देवळामध्ये म्हणजे पुजारी ठेवलेले आणि त्यांनी ते अत्याचार करून तिच्यावर घाणेरडे कृत्य करून तिच्यावर बलात्कार करून तिची हत्या करून तिला उंच ह्याच्यावरून ढकलून दिलेली आहे, त्याचा आम्ही आज निषेध करतो। आणि असा तसा निषेध करत ना आम्ही की त्यांना लवकरात लवकर म्हणजे फाशी झाली पाहिजे आणि लवकरात लवकर त्या पीडित मुलीला तिच्या कुटुंबियांना न्याय मिळाला पाहिजे। आणि आम्ही एक महिला आघाडीच्या वतीने, शिवसेना महिला आघाडीच्या वतीने निवेदन करू इच्छितो की वकिलांनी वकील पत्र घेऊ नये, अशा लोकांचं हे सडले पाहिजे, सडून तिथेच मेले पाहिजे। हा आम्ही निषेध करण्यासाठी आज आलो माननीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब यांच्या मार्गदर्शनानुसार आणि माननीय आपले खासदार साहेब यांच्या आदेशानुसार, आमचे लाडके गोपाळ लांडगे यांच्या म्हणण्यानुसार आज आम्ही शिवसेना महिला आघाडी सर्व शिवसेनेचे ज्येष्ठ सर्व पदाधिकारी इथे आलेलो, आम्ही निषेध करतो, पुन्हा पुन्हा सांगतो, वकिलांनी वकील पत्र घेऊ नये। वकिलांनी जर वकील पत्र घेतलं तर आम्ही महिला आघाडी त्यांना पुरून उरणार, त्यांना सोडणार नाही। आणि पोलिसांनी पण कुठलीही गोष्ट मागे न घालता ते कसे फाशीवर चढतील याच्यासाठी आपण प्रयत्न करायचे आहेत, नाहीतर येणारा काळ जो असेल तो बरोबर नसेल, महिला आघाडी कुठेही घुसेल आणि काही करेल। साहेब आगे बढो, फाशी झाली पाहिजे, फाशी झालीच पाहिजे।
फाशी झाली पाहिजे, फाशी झाली पाहिजे।